टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर दुर्लभ गुण। ओके, तो इसमें तीन दृश्य दिए हुए हैं इस चैप्टर में। तो इसमें फर्स्ट दृश्य में बाजार का स्थान बताया हुआ है कि बाजार में एक लड़का है जिसका नाम बसंत है। वो बहुत ही गरीब परिस्थिति से उभरा हुआ है और वह बाजार में कुछ लेने के लिए सामान खरीदने गया है। तो देखते हैं, चलो। स्थान बाजार, बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। बसंत, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो अच्छा, तुम्हें ये पैसे चाहिए, लो ये पैसे ले लो और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूँगा। बसंत बोलता है, लाइए मैं अभी बाजार से छुट्टा लाता हूँ नोट लेकर, आप यही ठहरे, मैं पलक मारते ही आया। बसंत चाहता है कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। देखो ये जो बसंत नाम का लड़का है वो चीज़ें बेचने बाजार गया है। क्या क्या बेच रहा है? वो छलनी, दिया सलाई, बटन, ऐसे सब बेच रहा है। और वहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जिनका नाम क्या है, किशनगंज। तो वो उनसे कहता है कि साहब कृपा करके मेरा ये सामान खरीदिए ना। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं है, तो मैं तुमसे कैसे खरीदी करूँगा, मेरे पास तो नोट ही है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं साहब, मैं छुट्टे कर लाता हूँ, लेकिन एक तो चीज़ ले लीजिए। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे, तुम्हें तो पैसे चाहिए तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं भीख नहीं लूँगा, फ्री में नहीं लूँगा। वो छुट्टे कराने जाता है, तब तक वो बोलता है कि आप यार रुकिए। तो किशनगंज के कोई पुराने मित्र है, वो उन्हें वापस मिलते हैं और ठहर जाते हैं। उनका नाम क्या है, देखो कृष्ण कुमार। तो देखते कि कृष्ण कुमार क्या कहेंगे। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल पैसे लड़के ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। देखो जो राजकिशोर है वो बोल रहा है कि वो लड़के को, बसंत को पैसे लेकर जाते बहुत टाइम हो गया है। तो ये कृष्ण कुमार बोलता है कि अब तुम तुम्हारे पैसे भूल जाओ, क्योंकि इस बाजार में तो बहुत से ठगने वाले लोग हैं। तो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इस एक्सपीरियंस से तो मुझे ये पता चल ही गया कि लोगों से क्या कैसा, लोग कैसे कैसे होते हैं और किस तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो इससे मैंने एक पाठ सीख लिया। फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। स्थान, देखो दूसरा दृश्य दिया हुआ है, वो कौन से स्थान का है देखते हैं। स्थान किशनगंज, बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप, देखो बसंत का एक भाई है जिसका नाम क्या है, प्रताप। तो वह जो राजकिशोर जी से वो उससे पैसे लेते, वो पैसे लौटाने के लिए उनके घर जा रहा है। तो वह उनका घर कहाँ पर है, किशनगंज में। देखते हैं क्या होता है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर बुनाने गया था, मगर जब बुलाकर लौट रहा था, वह मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसीलिए आपके पास न आ सका। बहुत मुश्किल से उसे
घर ले गए। बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। देखो जो ये प्रताप है वो बसंत का भाई है, तो वो पैसे लौटाने गया है। और वो ढूंढते ढूंढते राजकिशोर के घर पहुंच जाता है और उनको बताता है कि उस दिन आपने दोपहर को जो उसने छलनी आपको बेची थी तो छुट्टी कराने गया था, तो जैसे वापस लौटा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर कुचले गए, तो वो आ नहीं सका जब। लेकिन जैसे ही होश में आया तो उसने बताया कि आपके पैसे उसके पास पड़े हैं, तो वो लौटाने के लिए उसने मुझे कहा है, तो मैं ये पैसे लौटाने आया हूँ। राजकिशोर क्या बोलता है देखते हैं। तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीकू और अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। रो पड़ता है। देखो वो पूछता है कि हमारे घर में कौन कौन है, तो वो बोलता है प्रताप कि कोई नहीं, हम दोनों ही भाई हैं, और जब दंगा हुआ था तो उस दंगे में हमारे माँ बाप हमसे दूर चले गए थे, यानी मर गए थे। राजकिशोर फिर क्या बोलता है, देखो बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अंदर की ओर पुकार कर। अमीर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ, भीकू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर जाता है। देखो उसे जैसे पता चलता है कि बसंत का एक्सीडेंट हुआ है तो वो बोलता है अंदर से कि डॉक्टर को लेकर तुम वहीं पहुंच जाना, मैं अभी इस लड़के के साथ प्रताप के साथ जा रहा हूँ। लेकिन तीसरा दृश्य देखो क्या होता है, कहाँ का स्थान है, स्थान भीकू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कहराता है, भीकू उसे डांट रहा है। देखो तीसरा दृश्य में क्या दिया है, बसंत का घर दिया है कि जो कहा है भीकू अहीर के घर रहता है, तो वहाँ का स्थान दिया हुआ है। भीकू, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता वहाँ आराम मिलता। देखो भीकू जो है उसे डांट रहा है, वो करा रहा है तो उसे डांट रहा है भीकू कि तुम इतने दर्द में करा रहे हो, इससे अच्छा तुम अस्पताल में रहते तो तुम्हारा अच्छे से देखभाल होता। बसंत, चाचा अब तुम अस्पताल पहुँचा दो। भीकू, मैं पहुँचा दूँ? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। देखो वो जो भीकू है वो बसंत बोलता है कि चाचा तुम मुझसे सहन नहीं हो रहा है तो मुझे अस्पताल पहुंचा दो। तो भीकू उसे बोलता है कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा, मैं क्यों पहुंचाऊं, कि तुमने क्या मुझे कोई पैसे दे रखे तो मैं पहुंचाऊं। उसी टाइम पर प्रताप और राजकिशोर का अंदर प्रवेश होता है घर में। फिर प्रताप बोलेगा, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। देखो बसंत बोल रहा है कि आप साहब आ गए, आप न जाने मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं पैसे लेकर भाग गया। तब राजकिशोर बोलेगा, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। देखो राजकिशोर बोलता है कि तुम उस बात के अब भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को अब तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया, तो डॉक्टर अभी आते होंगे। उसी टाइम पर डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, अरे पंडित जी तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर डॉक्टर भी बसंत को पहचान रहे और राजकिशोर जी से कह रहे हैं कि मैं इसे पहचानता हूँ, इसे मैंने बाजार में देखा हुआ है। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। देखो जो प्रताप है वो बोलता है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाकर, सॉरी राजकिशोर बोलता है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाकर लाता हूँ, आप सब लोग इसके पास रुकिए। तो इसमें ये लड़का जो है गरीब है, बट उसमें कौन सा दुर्लभ गुण है, अच्छा गुण है ईमानदारी का, तो ये बहुत ही ईमानदार लड़का है, ये बचना चाहिए। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा घेरता है। देखो राजकिशोर चला जाता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, फिर डॉक्टर जो है वो बसंत को सुई लगाने जाता है और सुई लगाता है। फिर प्रताप क्या करता है, अपना भाई का सिर थामता है और पर्दा उस टाइम गिर जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो बसंत नाम का लड़का है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, ईमानदारी का, यानी वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का है। ओके, थैंक यू।